गैसेस पे थे हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, उसके डिफरेंसेस देखे थे। सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, पर उससे पहले मैंने आपको चीज़ बताई थी, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो तो सेम है पर उसका शेप क्या है अलग अलग है। जैसे कि 1 लीटर का जो वाटर बॉटल होता है उसका शेप अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो ये फ्लास्क का शेप है वो एकदम अलग है, यहाँ पे फ्लास्क का शेप अलग है, पर इनमें अगर 1 लीटर वाटर हम लेते हैं तो इनका वॉल्यूम सबका सेम है पर शेप सबका अलग है। मतलब जो लिक्विड है वो कोई भी शेप ले सकता है कंटेनर की, जिस शेप का कंटेनर है। तो लिक्विड कैन हैव एनी शेप, है ना, बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ये डिस्कस किया था। दूसरा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मच हायर देन कंपेयर टू सॉलिड्स। मतलब जो डिफ्यूजन में रेट है, जैसे ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर बहुत आसानी से डिजॉल्व हो सकती है कंपेयर टू सॉलिड। इसीलिए एक्वाटिक लाइफ क्या है, ईजी है, फिजिबल है, किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर बाहर की जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, वो ईजिली क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, उसके बीच में जो पार्टिकल का स्पेस है वो ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये चीज़ थी डिस्कस करने वाली बात। इसके बाद हम आ जाते हैं प्लाज्मा पे। प्लाज्मा वो फोर्थ स्टेट है जो हमने डिस्कस अभी नहीं किया था। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा अगर मैं देखूँ तो एक सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे होता है कि जब आप कोई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं किसमें से, गैस में से, तो गैस आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होने की वजह से वो जो ट्यूब होती है, जिस ट्यूब में वो गैस फिलअप होती है, वो ट्यूब ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। ये आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब है एटम से आयन बनना, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मीन्स आयन बनना। तो जब एटम आयोनाइज होता है, एटम ब्रेक होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो आयन बन जाता है। आयन दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, इनके दो चार्जेस होते हैं आयन के, प्लस जिसको कैटायन बोलते हैं और एक माइनस जिसको एनायन बोलते हैं। ये हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटम का जब आयोनाइजेशन होता है तो वो आयन बनाता है। वो आयन बनाने से क्या होता है, जो ट्यूब होती है उसके अंदर जब गैसेस होती है ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि ट्यूब आपका ग्लोइंग स्टेट में दिखाई देने लग जाता है। उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। फिर हम आते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो गैस है उसकी ऐसी गैस लेनी है जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, मतलब एयर से उसकी डेंसिटी बहुत ही कम, ठीक है, ऑलमोस्ट एयर की डेंसिटी की वो क्या हो, 1/100 और 1/1000, मतलब एयर की जो डेंसिटी है उसको आप 100 से डिवाइड कर दो या 1000 से डिवाइड कर दो, इतनी कम डेंसिटी वाली आपको एयर लेनी है और उसको एकदम कूल करते जाना है, एकदम एक्सट्रीमली कूल कर देना है। तो जो स्टेट बनेगा उस स्टेट को हम बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब एयर लेनी है जिसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से 1/100 या 1/1000 हो, ठीक है, साथ ही साथ उसको हमको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे कूल कर देना है। तो ये होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक और होता है पर वो बुक में नहीं दिया, जिसको चेन मेल्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो नया नया अभी डिस्कवर हुआ है, पर आपको ये फैक्ट भी याद रखने, ठीक है। और इसके अलावा एक एक्टिविटी है जो यहाँ पे NCERT एक्टिविटी 1.11, ये आपकी बुक में NCERT एक्टिविटी 1.11 है, जिसमें आपको ये शो करना है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजली कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस को बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें आपको एक पिस्टन दे रखा हुआ है, प्लंजर बोलते हैं, इसको दबाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे एयर फिलअप होगी तो आप जो प्लंजर दबा रहे हैं उसको क्या होगा, आप बहुत आसानी से दबा सकते हैं, क्योंकि गैसेस में जो एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर है, तो उन पर प्रेशर एग्जर्ट करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो ये गैसेस का है। अगर इसी में मैं अगर वाटर फिलअप कर दूँ, ये जो गैस दिख रही है इसकी जगह पर मैं लिक्विड फिलअप कर दूँ और फिर दबाऊँ, तो मेरे को एफर्ट जो फोर्स है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी थ्रू दिस पिस्टन। इस पिस्टन को जो हम नीचे इसमें प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, फोर्स हमको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, कंपेयर टू गैस, जब गैस थी। और अगर मान लो इसमें मैं चौक के पीसेस रख दूँ, ठीक है, और फिर प्रेस करूँ, ठीक है, तो मेरे को फोर्स और ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि चौक के जो पीसेस हैं वो सॉलिड है और सॉलिड का जो इंटर एटोमिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही हाई है। जैसे कि ये आपका होता है जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ पिस्टन, तो ये पिस्टन है, इसको अगर मैं इस तरह से फिलअप इस तरह से पीछे खींच लूँ तो अब इसके अंदर एयर फिलअप हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको दबाऊंगा तो मेरे को दबाना बहुत आसान है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एयर है और एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है, तो उनको प्रेस करना बहुत ईजी है कम्पेयर टू लिक्विड। अगर मैं इसमें लिक्विड फिल करूँगा, वाटर फिल करके दबाऊँगा, तो मेरे को फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं इसी के अंदर चौक के पीसेस रख दूँ और फिर दबाने की कोशिश करूँ तो वो मेरे को फोर्स और ज़्यादा लगाना
पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। तो ये आपके स्टेट्स इस पर ये कंप्लीट होता है। जो टॉपिक है वो है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप डिग्री सेल्सियस ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है। केल्विन जो थे मतलब लॉर्ड केल्विन, वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया था उनके नेम पे ये यूनिट रखी गई थी केल्विन, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये केल्विन है क्या? केल्विन एक डिग्री सेल्सियस जैसी ही यूनिट है, ठीक है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या है? जीरो डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273.16 केल्विन। मतलब अगर आप लोगों को बोलता है कि ये सब्सटेंस जीरो डिग्री सेल्सियस पे है, दैट मीन्स अगर आप वो केल्विन स्केल पे देखेंगे, आप केल्विन स्केल पे मतलब वो सब्सटेंस का कितना होगा? 273.16 केल्विन। जनरली हमारी बुक में और हम जनरली कैलकुलेशन में 0.16 को राउंड ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हम जनरली 273 केल्विन ही लिखते हैं। तो सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सी चीज़ है कि जीरो ये डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में जाना है तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, और केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में आना है तो -273 करना पड़ेगा। एक्चुअल में 273.16 करना होता है, पर वो 16 बहुत कम अमाउंट है इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, ओके। आपको कोई बोलता है कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करें, तो डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ऐड 273। तो ये 25 प्लस 273 करेंगे तो 288 क्या आ जाएगा? केल्विन। मतलब आप 25 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 288 केल्विन बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 300 केल्विन। अगर आप कोई केल्विन में टेम्परेचर देता है, आप बोलता है कि डिग्री सेल्सियस में आपको लाना है, तो क्या करेंगे आप? 300 में से 273 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है, दैट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस आता है। तो ये था आपका ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ओके। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो जनरली तीन जो मेन है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा आपका प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। तो सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, जैसे कि डस्टर, मोबाइल, अपने आसपास जितने भी टेबल्स हैं, चेयर्स, उनका एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है, वो सब सॉलिड्स हैं। अब सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसके बीच का एटम्स का स्पेस और उनके बीच का एटम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ये सॉलिड में देखा जाता है। सॉलिड में वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसके एटम्स जो है बहुत इंटैक्ट है, उन्होंने एक दूसरे को क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो सॉलिड है। टेबल, चेयर, ये सब सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई है, इनके बीच का जो स्पेस है एटम्स के, दो एटम्स के बीच का स्पेस जिसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक आपका स्पेस, वो बहुत ही कम होता है, वो दोनों बहुत ही जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब एटम्स लाइन में होते हैं, एक रो में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो यहाँ तीन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक है उनके बीच में लीस्ट डिस्टेंस होता है, लीस्ट स्पेस होता है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है ना, इंटर एटॉमिक स्पेस इज वेरी लेस। थर्ड आता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसी वजह से उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सॉलिड की होती है, ठीक है, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम गैस की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना टाइट है, इतने एटम्स इतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं कि उनको हीट करके दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो एटम्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो दूर होना स्टार्ट होंगे, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे। क्योंकि जब आप एटम्स को दूर करेंगे ना, तब वो किस में कन्वर्ट हो पाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे, क्योंकि सॉलिड में एटम्स पास पास है, इन एटम्स को अगर आप दूर करेंगे तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो वो दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू लिक्विड्स, ठीक है। फिर हम आते हैं हाई डेंसिटी पे और डू नॉट फ्लो। ये में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि इनके एटम्स बहुत इंटैक्ट होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, इसलिए फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो मतलब जैसे वाटर, जैसे जिस तरह से फ्लो करता है वाटर बह सकता है, वैसे ये नहीं फ्लो कर सकते।
ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये चीज़ आप जरा ध्यान रखिएगा, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आप डेंसिटी को एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक बकेट लेते हैं, तीन बकेट लीजिए, तीनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब जैसे 20 लीटर की बकेट आपने ली है, तीन बकेट लीजिए, उन तीनों बकेट में सबसे पहले आप आयरन नेल पहली बकेट में फिल करिए, ठीक है। दूसरी बकेट में आप क्या करिए, वाटर को फिल करिए। थर्ड बकेट में आप क्या करिए, बकेट नहीं एक तरह का कंटेनर ले लीजिए थर्ड, इसको ऊपर से आप कवर कर सकें और उसमें एयर फिल करिए या कोई गैस फिल करिए। सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, सबसे ज़्यादा मास उसका होगा, उस बकेट का होगा जिसमें आयरन नेल है, वो सबसे भारी होगी उठाने में। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है और सॉलिड का मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। मतलब अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 cm³ में कितना मास आ सकता है, तो वो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है। लिक्विड का उससे कम होता है, गैस का सबसे कम होती है डेंसिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेंसिटी का सबसे सिंपल मीनिंग यही है आपका। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड पे आए तो उसका फिक्स शेप नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स्ड है। जैसे 1 लीटर की बोटल्स आती है, 1 लीटर की जो वाटर बोटल्स आती है उनका शेप अलग अलग होता है, क्यूबॉइड शेप की भी हो सकती है, कॉनिकल फ्लास्क जो होता है उस शेप की हो सकती है, बहुत अलग अलग शेप की बोटल्स आती है, वाटर बोटल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो उनका कैपेसिटी 1 लीटर है, सब में 1 लीटर वाटर स्टोर होगा, पर उनका शेप क्या अलग अलग है। तो आप लिक्विड क्या है कि कोई भी शेप ले सकता है, आप जिस कंटेनर में जैसे शेप के कंटेनर में आप डालेंगे वो वैसा शेप ले लेगा, तो लिक्विड कैन टेक एनी शेप। दूसरा, अब इसकी अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इसकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम है, इसमें एटम्स थोड़े दूर हैं, उनके बीच का जो स्पेस है इंटर एटॉमिक स्पेस वो बड़ा है, वो ज़्यादा है किससे, सॉलिड से, इसलिए इसके एटम्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे कंपेयर टू सॉलिड्स। और ये जो एटम्स दूर दूर है इनमें ऑर्डर जो अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, वो परफेक्टली जो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है किसका, सॉलिड्स का, उसकी तरह नहीं होता है यहाँ। ठीक है, क्लियर। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है पर बॉइलिंग पॉइंट इनका भी हाई होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर कब बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है पर मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, क्योंकि मेल्टिंग का मतलब क्या है, मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, तो लिक्विड तो ऑलरेडी लिक्विड में है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, लो ही होगा ना, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। अगर वो ऑलरेडी लिक्विड में तो ऑलरेडी मोल्टन स्टेट में, तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट लो ही होने वाला है। ठीक है, फिर आता है लिटल ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट परफेक्टली नहीं होता कंपेयर टू सॉलिड्स। फिर लेस डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी, जो अभी मैंने बकेट वाला एग्जांपल बताया था, तो वाटर वाली जो बकेट होगी वो क्या होगी, उसका मास कम होगा कंपेयर टू वो बकेट जिसमें आयरन नेल्स फिलअप है। ठीक है, इट कैन फ्लो वाटर और भी लिक्विड्स है जो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, लो से हाई भी जा सकते हैं, हाई से लो आ सकते हैं, तो वाटर कैन ईजिली फ्लो। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ गैस। तो गैस का ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम, बलून में आप उसको फिल कर सकते हैं तो बलून का शेप ले लेगी, और उसका ना कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है, क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत लो है, और दूसरा उसमें ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का, और ऑर्डर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि उसको कंप्रेस करना बहुत आसान होता है। गैसेस को हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे बलून है, बलून एयर फिल्ड बलून है, उसको हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एटम्स बहुत दूर दूर है, इनके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इंटर एटॉमिक जो इनका स्पेस है वो बहुत हाई है, तो इनको कंप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। डेंसिटी इनकी कम है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का, मतलब पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये जो एटम्स हैं कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ये सब अपनी अपनी जगह पे रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो गैसेस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और इंटर एटॉमिक जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको कंप्रेस करना बहुत आसान है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, ये इंटैक्ट नहीं है सॉलिड की तरह, तो इनको दबाना बहुत ही आसान है, इसलिए कंप्रेस ईजिली हो जाते हैं, डेंसिटी इनकी कम है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है क्योंकि ऑलरेडी गैस स्टेट में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और नो ऑर्डर अरेंजमेंट, रैंडमली अरेंज, रैंडमली मोशन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो घूमते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो वो उसको बांध के नहीं रख पाते। ठीक है, तो और इसमें और कुछ बचता नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस में, ये जितने पॉइंट्स हैं आपको नोट कर लें, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डायग्राम के रिस्पेक्ट से भी आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। ओके।
इसमें एक चीज़ और है जो है एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो जो गैसेस हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे है, जिस भी कंटेनर में आप गैस को फिल करेंगी तो गैस उस कंटेनर पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे बलून की वॉल्स है, बलून की वॉल्स पे क्या करेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इस तरह से गैसेस क्या करती है, वॉल्स के कंटेनर पे क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। ओके क्लियर, ये था आपका सॉलिड लिक्विड है।